न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल श्री बालाजी फैशन मोबाइल हॉस्पिटल बीएन घाटी वृंदावन रेसिडेंसी ब्लेस हॉस्पिटल विघ्नेश्वरा मार्बल श्री जानकी स्टोर एब्रोज जितेंद्र के बिगड़े बोल सांकेतिक भाषा में सांसद को कहा कचरा बिहार के लोगों ने इसको कचरा बनाकर फेंक दिया उस कचरा को आसनसोल में आप आकर डाल देते हैं। शिल्पांचल वासियों को बेसब्री से है इंतजार कौन होगा पवन के इनकार के बाद बीजेपी का उम्मीदवार। 7 नंबर प्लेटफार्म के पास हॉकर की रक्त रंजिश लाश मिलने से सनसनी राष्ट्रवादी हॉकर्स यूनियन ने नॉर्थ थाना के सामने किया प्रदर्शन। रानीगंज टीटीबी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप करंट लगने से मौत की आशंका। इलाज के दौरान मरीज की मौत से परिजनों में आक्रोश निजी अस्पताल में तोड़फोड़। से बंगाल बहुत उन्नत है तो जिसको बिहार में कोई नहीं पूछता है बिहार का कचरा बिहार के लोगों ने इसको कचरा बनाकर फेंक दिया उस कचरा को आसनसोल में आप आकर डाल देते हैं। आसनसोल आपका डस्टबिन नहीं है। आसनसोल में पढ़े लिखे लोग आसनसोल को प्यार कर। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में रेल पार के धातका में अब की बार 400 पार के अभियान के तहत सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारा दिया कि भाजपा मतलब आसनसोल, आसनसोल मतलब भाजपा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर आसनसोल की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। इस सभा में पार्षद गौरव गुप्ता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो जिसको बिहार में कोई नहीं पूछता है बिहार का कचरा बिहार के लोगों ने इसको कचरा बनाकर फेंक दिया उस कचरा को आसनसोल में आप आकर डाल देते हैं। आसनसोल आपका डस्टबिन नहीं है। आसनसोल में पढ़े लिखे लोग आसनसोल को प्यार करता है। दीदी आपने आसनसोल को डस्टबिन समझा है इसलिए कचरा यहाँ फेंक रही है। तो आसनसोल की जनता जानती है कि कचरा को कहाँ पहुँचाना है। कहाँ कावेरी नदी में। हम लोग बहुत कचरा साफ करना जानते हैं और इस चुनाव में इस लोकसभा चुनाव में आसनसोल को जो लोग डस्टबिन बनाना चाहते हैं ऐसे कचरे को हम लोग कावेरी नदी में ठीक पहुंचा देंगे और ये काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं आपसे जो बात कहने आया हूँ कि कल से ही उधर चलिए अपना पैसा लगाकर यदि बीजेपी को प्यार करते हैं बहुत मन में चटपटी हमारा कैंडिडेट नहीं हुआ अगर कैंडिडेट का क्या जरूरत है कैंडिडेट कमलपुर है कि नहीं मोदी जी है कि नहीं आप इसके लिए बोलते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री करने के लिए ना। तो मोदी जी को यदि प्यार करते हैं तो अपना पैसा लगा कर जिसके बाद जितना पैसा ज्यादा पैसा है तो बहुत बढ़िया रख दीजिए कम पैसा है तो बुल्लू ले आकर उसी से लिखिए लेकिन लिखना जरूर कीजिए। यदि पार्टी को प्यार करते हैं मोदी जी को प्यार करते हैं तो कल से लिखना शुरू कीजिए अपना दीवार अपने अपने दीवार में फिर एक बार मोदी से सरकार अब की बार 400 पार ये कम से कम लिखना जरूर शुरू कीजिए। आप लोगों ने 3 लाख से ज्यादा वोट से शत्रुघ्न सिन्हा को जिताए थे इसलिए उन्होंने मैदान छोड़कर के भाग गया कि हम यहाँ जीतने वाले नहीं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में टीएमसी की जनगर्जन सभा का आयोजन 10 मार्च को होगा। इसे लेकर रविंद्र भवन में पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी द्वारा सभा की गई। इसमें मंत्री मलय घटक मंत्री प्रदीप मजुमदार टीएमसी के राज्य नेता जयप्रकाश मजुमदार वी शिवदासन दासू जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मेयर विधान उपाध्याय समेत सभी शाखा संगठन के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी और समर्थक उपस्थित थे। यहाँ जनगर्जन सभा सफल बनाने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। वक्ताओं ने अपने भाषण में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई। पवन सिंह द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार करने पर भी चुटकी ली। उन लोगों ने टेलीफोन किया कि क्या हालचाल है आप यहां तो पवन सिंह को बीजेपी कैंडिडेट बनाया था। मैंने पूछा कि अच्छा तो था आकर के लड़ करके देख लेते कि आसनसोल जो है कैसा जगह है तृणमूल कांग्रेस का घाटी है कि नहीं है। उन लोगों ने बोला कि यह बात नहीं है आप लोगों ने 3 लाख से ज्यादा वोट से शत्रुघ्न सिन्हा को जिताए थे इसलिए उन्होंने मैदान छोड़कर के भाग गया कि हम यहां जीतने वाले नहीं। यह हमारी ताकत है और हम लोगों ने साबित किया है। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं मेरे परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं। 10 तारीख की तैयारी के लिए हमारे जिला अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाया है। पश्चिम बर्धमान कभी पीछे नहीं रहता हर काम में आगे रहता है। हमरा अत्यंत सुसंगठित भावे कोलकाता गिएछि एवं हजारो हजारो
আমাদের কর্মী এবং সমর্থক সেখানে উপস্থিত থেকেছেন। ইতিমধ্যেই ব্লকে ব্লকে আমরা সভা করেছি, কোন ব্লক থেকে কিভাবে আমাদের মানুষ যাবেন কর্মীরা এবং সমর্থকরা সেগুলো আমরা ঠিক করেছি। মহিলাদের জন্য বাসের বন্দোবস্ত আমরা করছি, কারণ ট্রেনে এত ভিড় হবে যে ট্রেনের কোনো ঠিক নেই মহিলারা চাপতে পারবেন কি পারবেন না, যার জন্য মহিলাদের যেখানেই হোক সমস্ত ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আমরা বাসের একটা করে বন্দোবস্ত করেছি। এবং ট্রেনের আমি আজকেই কাগজে পড়ছিলাম যে রেলও এখন রাজনীতি করছে। আপনি দেখেছেন আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দিল্লিতে ধর্না ডেকেছিলেন তখন দুটো ট্রেন টাকা দিয়ে বুক করা হয়েছিল এখান থেকে দিল্লিতে আমাদের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। ঠিক আগের দিনেই ট্রেনগুলোকে ক্যান্সেল করে দেওয়া হচ্ছে। হতে পারে কিন্তু 10 তারিখে দেখবেন কোলফিল্ড কিংবা বিধান যে ট্রেনগুলো আমরা যাই সেই ট্রেনগুলো হয় দেরিতে ছাড়বে কিংবা মাঝ রাস্তায় আটকে দেবে, তাই আমাদেরকে কিন্তু তৈরি হয়ে থাকতে হবে। आसनसोल लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के 24 घंटे बीतने से पहले ही पावर स्टार पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। पवन सिंह द्वारा प्रत्याशी बनने से मना किए जाने के बाद अब बीजेपी किसे आसनसोल में उतारेगी से लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। फिलहाल भाजपा सोच रही है कि कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, किसी स्थानीय को प्रत्याशी बनाया जाए या स्टार को मौका दिया है या किसी दिग्गज को उतारा जाए। स्थानीय स्तर पर जितेंद्र तिवारी और अग्निमित्र पाल का नाम सबसे आगे चल रहा है, वहीं चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा कई सितारों के नाम पर भी विचार विमर्श किए जाने की सूचना है। उल्लेखनीय है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बड़े अंतर से आसनसोल सीट जीती थी। हालांकि 2022 उपचुनाव में 3 लाख के भारी अंतर से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 2024 में फिर से आसनसोल को जीतने के लिए भाजपा उम्मीदवार बनाती है, इस पर लाखों पांचल वासियों की निगाहें टिकी हुई है। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में। फाइनेंस की सुविधा के साथ तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेली डंगाल, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफार्म के पास हॉकर मोहम्मद वसीम अक्रम उर्फ सोनू का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रवादी हॉकर्स यूनियन ने भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता के नेतृत्व में उत्तर थाना के समक्ष प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष और त्वरित जाँच की मांग की। बताया जाता है कि मोहम्मद सोनू 7 नंबर प्लेटफार्म पर पानी की हॉकरी करता था। वह पुराना स्टेशन मिस्त्रीपाड़ा का निवासी था। उसके शरीर पर
चोट के निशान पाए गए हैं। आशंका है कि उसे पत्थर से कुचलकर मारा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग जब यहाँ पे खबर मिला हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे कितने बजे आए हैं, यहाँ पे 8 बजे आए हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तब जब आके देख रहे हैं तो लड़का यहाँ पड़ा हुआ है, वो पत्थर से मारा है, देखिए वो पत्थर से, वहाँ देख सकते हैं, वो पत्थर से मार के माथा चूर दिया, हाँ ये फेस भी धंसा हुआ है, इतना बेरहमी से मारा गया है। कितना बजे मारा गया? ये तो रात में हुआ होगा केस, 10-11 बजे का इधर हुआ है, और रात में पानी पड़ रहा है, बगल में आदमी भी है, वो आदमी लोग निकला है ना। আমাদের দাবি ছিল যে আমাদের আসানসোল শহর মধ্যে এরকম ঘটনা মানে আগে দেখা যেত না, যেরকম আপনি দেখছেন কি কন্টিনিউ কারো না কারো হত্যা হচ্ছে, এরকম ঘটনা হচ্ছে কিন্তু অপরাধী ধরা পড়ছে না। এই জন্য তো সবার যে অপরাধীরা আছে ওদের হিম্মত বেড়ে যাচ্ছে। তো আমরা চাই কি এইটা মানে কি যাচ হোক ভালো করে, বড়বাবুকে আমরা দাবি করেছি কি ভালো করে যাচ করে, হ্যাঁ এটা কে এই ঘটনাটা করেছে ধরে ওকে অ্যারেস্ট করা হোক, নাহলে 72 ঘন্টার মধ্যে আমরা একটা বড় আন্দোলন করব। रूपनारायणपुर फाड़ी अंतर्गत झारखंड रोड पर एक पुराने टायर मरम्मत की दुकान के सामने से कुछ दिनों से कुछ पुराने टायर चोरी हो गए थे। रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस जांच करने गई और इलाके के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए। पुलिस ने रूपनारायणपुर चौकी प्रभारी नसरीन सुल्तान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और कल रात एक पिकअप वैन और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चालक का नाम आबिद अली है, जो हुगली का रहने वाला है। मालूम हो कि गिरफ्तार चालक बिहार से सब्जी लेकर लौटने के दौरान झारखंड रोड से टायर चोरी करता था। कल खबर मिलने के बाद पुलिस ने उस पिकअप वैन के ड्राइवर के साथ बंगाल झारखंड सीमा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्राइवर को सोमवार को आसनसोल कोर्ट में पेश कर रिमांड का आवेदन किया गया। रानीगंज के टीटीबी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के सामने एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि उसकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई, जिसका नाम वकील साहब बताया जाता है। वह हाल ही में जेल से छूटा था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सोमवार को टीटीबी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की एक महिला ने देखा कि युवक को करंट लग गया है, और जब उसने इसकी जानकारी छात्र संघ के सदस्यों को दी तो उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों को बताया और सूचना रानीगंज थाने पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अचेत युवक को वहां से उसे रानीगंज के आलूगोड़िया ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ना ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि लगभग 10-11 बजे के आसपास में यहां पर कचरा छोड़ने वाला लोग आता है। वो ज्यादातर लोग छड़प के इधर से आता है, लेकिन आज क्या हुआ, लगता है कोई करंट तार वगैरह छू दिया है, जिसके कारण क्या इस बार भी यहाँ से गेट से आया था ना, नहीं दीवार से छड़प करके उस साइड पीछे से रास्ता है, वो लोग वहीं से आता खड़ा छोड़ने के लिए, तो 11 वोल्ट का जो तार है ना उसको छू दिया, उसके बाद से उसका स्पॉट डेट हो गया 11,000 वोल्ट का। हाँ तार जो है वहाँ पे उसी को, तो वो तो काफी दूरी में था, देखे पता नहीं इतना, तो जो जो सर लोग बात कर रहे थे उसी को हम सुने और बता रहे आप। हाँ हम आज के कॉलेज आसार पर जानते যে আমাদের যে কলেজের ওই দেওয়ালের কাছে যে গার্লস হোস্টেলটি আছে সেখানে একটি লোক শুয়ে আছে, তো আমাকে ইনফর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে আমি লোকজন বা আমাদের মাস্টারমশাই গেলাম, যেয়ে দেখছি একটা লোক লম্বাভাবে শুয়ে আছে ঠিকই। কটা নাগাদ দেখলাম স্যার এটা? ওটা আমি ওখানে যখন গেছি ওই 11:10 আমি জাস্ট 11:10 সময় গেছি, শুয়ে আছে এবং তা প্যান্ট এবং একটা গেঞ্জি পরে আছে, তো শুয়ে আছে এবং যেন ঘুমাচ্ছে এরকম অবস্থায় রয়েছে। তারপরে ওখানে যে গার্ডস হোস্টেলে কিছু মেয়ে, 3 জন মেয়ে থাকে, তো ওদের কাছ থেকে আমি এই যা জানতে পারলাম যে ওইখান থেকে নাকি ও কাগজ টাগজ এই সমস্ত পড়ানোর ইয়ে করে, মানে কাগজ কুড়ানোর অজুহাতে কাঁধে একটা, কি বলো তো আপনাদের গেট দিয়ে ঢুকেছিল না বাইরে? না না ওই দেয়ালের ওই দিক থেকেই দেয়াল। এবার হ্যাঁ এবার হয়েছে কি ওইখান থেকে ঢোকার মুখে ওর হাই ভোল্টেজ তার আছে, তার আছে ট্রান্সফরমার, হ্যাঁ ট্রান্সফরমার আছে, এবং এটা মানে আমার অনুমান সত্য আমি তাই বলতে পারবো না, অনুমান হচ্ছে ও যখন ওই দেয়ালটুকু ঢুকতে গেছে তখন হয়তো ওর বস্তা পায়ে এটা হয়তো ওই তারের সঙ্গে আটকেছে, আটকে গেছে, ফলে ও আঘাত হচ্ছে বিদ্যুতের সংস্পর্শে ওইখানে পড়ে গেছে, এরকম হয়েছে। তারপর ব্যাপারটা এটা যেহেতু এটা পড়ে আছে আমি তখন পুলিশকে ইনফর্ম করলাম, পুলিশ এলো, পুলিশ ডেড বডি নিয়ে গেল এবং পুলিশকে যেটা জানতে চাইলাম যে এটা কীরকম কী হয়েছে, বলছে দেখুন আমরা তো ডক্টর নয়, সুতরাং কী হয়েছে আমরা জানি না, আমরা এটা হসপিটালে নিয়ে গেছি। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार पीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेवल पार्क आसनसोल 3। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरवड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। आसनसोल साउथ पीपी अंतर्गत एसबी गोराई रोड स्थित हिल व्यू नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज कुमार राय बताया जाता है, जो रेलवे में टीटी थे। उनके परिजन और इलाके के लोगों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में भारी हंगामा किया और पुलिस के सामने ही जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में तोड़फोड़ करने के साथ ही वहां रखे वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मृतक के मित्र ने कहा कि डॉक्टर झा के अधीन इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उनका कहना था कि उन्हें अपेंडिक्स की शिकायत है, उनके जल्द ऑपरेशन की जरूरत है। इसके बाद उन लोगों ने यहां मरीज को भर्ती किया। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि यहां ऑपरेशन नहीं कर दूसरी जगह से ले जाएंगे। जब वह लोग रुपये वापस मांगने गए तो अस्पताल की ओर से रुपये नहीं दिए गए। इसके बाद वह लोग वहीं पर ऑपरेशन कराने को बाध्य हुए। उन्होंने कहा, यह मामूली ऑपरेशन था, इसमें मरीज की मौत कैसे हुई, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर झा के पास हम चेकअप कराने के लिए ले गए थे। डॉक्टर झा बोला, इसको चेक करने के बाद बोला डॉक्टर झा कि इसका नस बहुत मोटा हो गया है, पेनिस का ये फट सकता है, अभी जितना जल्दी हो सके तुम उसको ऑपरेशन कराओ। उसके बाद वो रिपोर्ट दिया, हम लोग सब रिपोर्ट कराए। रिपोर्ट कराने के बाद डॉक्टर झा को फिर व्हाट्सएप पे भेजे, रिपोर्ट देख करके बोला हिल व्यू नर्सिंग होम में भर्ती कराओ। हम लोग हिल व्यू नर्सिंग होम में भर्ती कराए।
फिर हम लोग का दिल कुछ नहीं मान रहा था कि हम लोग यहाँ हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल में नहीं कराएंगे ऑपरेशन। फिर हम लोग रिफंड जो पैसा जमा दे दिए थे वहाँ से बोले ये हम लोग ऑपरेशन यहाँ नहीं कराएंगे, हम लोगों जो जो रिफंड जो पैसा जमा किए हैं वो पैसा हमको दे दीजिए, हम लोग कहीं और चले जाएंगे। तो हॉस्पिटल वाला बोला कि नहीं ये हम लोग का रूल नहीं है, हम लोग पैसा ये रिफंड नहीं दे सकते हैं, आपको कराना होगा। तब जाके फिर हम लोग भी सोचे कि चलो भाई कराओ, फिर डॉक्टर झा है उसके बाद ऑपरेशन कराए लेंगे। अले जाने तो के पेशेंट को किस लिए भर्ती किए थे आपने? अपेंडिक्स का था और कोई बड़ा बीमारी उसका कुछ नहीं था। सारा रिपोर्ट हमने डॉक्टर झा को दिया था, देख करके फिर ले गए ऑपरेशन कराने के लिए। ऑपरेशन कराने के बाद थोड़ा देर में बोला अपेंडिक्स का, हम लोग को दिखा दिया और दिखाने के बाद फिर थोड़ा देर में बुलाया, बट सीरियस कंडीशन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, फिर कुछ बोल ही नहीं। अब आप बताइए, ये मेरे पेशेंट को मार दिया, हमसे छुपा दिया। बरसों से बंद पड़े दुर्गापुर केमिकल फैक्ट्री के अधिकारियों ने पिछले बुधवार अचानक दुर्गापुर केमिकल टाउनशिप के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जिससे वहां के कॉलोनी में रहने वाले परेशान हैं। इसके विरोध में आज कंपनी की गाड़ी रोककर नागरिकों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि गेट पर ताला लगने से वहां एम्बुलेंस प्रवेश नहीं कर सकती, गैस की गाड़ी नहीं आ रही है, यहां तक कि स्कूल की गाड़ियां भी नहीं घुस पा रही है। टाउनशिप के सरकारी स्कूल के छात्र और शिक्षक सबसे ज्यादा परेशानी में है, स्कूल जाना तो दूर, मिड डे मील की चावल की गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकती। कई लोगों द्वारा अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में ले जाया जा रहा है। उनकी मांग है कि टाउनशिप का मुख्य द्वार तुरंत ताला खोले। प्रदर्शन की खबर पाकर कोकोवेन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने भी स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। कुछ घंटों के बाद आंदोलन के दबाव में दुर्गापुर केमिकल्स फैक्ट्री को ही अपनी टाउनशिप का दरवाजा खोला। অনেক সমস্যা হচ্ছে, তারপরে আমাদের মিড ডে মিলের গাড়ি ঢুকতে পারছে না, খাওয়া দাওয়ার প্রবলেম, আমাদের ম্যামরা প্রধান শিক্ষিকা এরা যাওয়া আসা করতে পারছে না, তোমরাও তো পাচ্ছ না, না আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে, বোঝানো যাবে না। আসলে আমরা মনে হচ্ছে না একটা বোঝা হয়ে গেছি, এই কজন আছি তার কোনো ডিউটি, আমরা তো চাকরিতে এখনো আছি বা কলোনিতে একটা সিকিউরিটি বলেও কিছু ব্যাপার আছে, অ্যাম্বুলেন্সগুলো ঢুকতে পারবে না, তো কোনো মানুষ অসুস্থ হলে তাকে কি পাজা কলা করে এতটা আনবো? তো আমার মনে হয় অ্যাম্বুলেন্স বলে না, যে কোনো রাত বিরেতে কোনো বিপত্তি ঘটতে পারে তার এত দূর অবধি আসতে পারবে না, বয়স্ক লোক আছে বা বাচ্চারাও অসুস্থ হতে পারে, তাহলে তাদের আমরা কত দূর অবধি আনবো? प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज